हेलो, नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर मैं रात का डिनर बनाने के लिए किचन में आई हूँ और गर्मी बहुत हो रही है, देखिए पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही है शहरों में तो, कि जैसे बारिश होगी और बारिश बंद उसके बाद उमस भरी गर्मी शुरू हो जाती है, और तो ये तो चलता ही रहता है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ तोरी की सब्जी। मैंने यहाँ पर ये तोरी काट के रख ली है। तोरी ना बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और सबके लिए अच्छी होती है, मतलब तोरी तो मैं ज़्यादातर मतलब हफ्ते में 2 दिन तो तोरी बना ही लेती हूँ, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अंशी तो थोड़ा सा ना नुकर करती है, आदि भी ना मात्र ही खाता है, पर अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तोरी, तो मैं तोरी ज़्यादातर बनाती हूँ। तो मैं, आप लोग भी बनाते ही होंगे, तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ तोरी। मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक तो मैं ऐसी सिंपल तोरी और प्याज ऐसी बनाती हूँ, और एक मैं तोरी को ना मूंग दाल में डाल के बनाती हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मूंग दाल भी बहुत हेल्दी होती है और तोरी भी हेल्दी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो वो मैं कुकर में बनाती हूँ मूंग दाल डाल के, वो भी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं किसी दिन आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज तो मैं सिंपल ऐसी ही तोरी बना रही हूँ, क्योंकि वो भी मैंने मूंग दाल वाली तोरी कुछ 3-4 दिन पहले बनाई थी, तो आज मैंने सोचा इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि चेंज हो जाती है ना फिर सब्जी, एक ही सब्जी खाकर तो बोर हो ही जाते हैं सभी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सब्जी, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। जीरा, ये है जख्या, चीनी, यहाँ पर मेरा प्याज का एक टुकड़ा ऐसे ही रह गया है, जो कि मैं प्याज के नीचे था तो मैंने काटा नहीं। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तो ये कोई नहीं, ऐसे ही प्याज के साथ ये भून लेगा और फिर हो जाएगा सही, मतलब बन जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा लहसुन, जो कि मैंने यहाँ पर पीस कर ले लिया है, और इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा सा 1 मिनट पका लूँगी। और उसके बाद डालती हूँ मैं इसमें टमाटर, 2 टमाटर मैंने यहाँ पर काट के रखे हैं, और वो मैं अब डाल के फिर अच्छे से पका लूँगी। अब मैं इसमें मसाले डाल लूँगी, कुछ गिने चुने मसाले, जैसे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और मिक्स मसाले, मतलब मिक्स करके मैंने सारे मसाले पीस कर रखे हैं, तो वो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, 1/2 चम्मच। अब मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसार नमक, और फिर उसके बाद मैं सारे मसालों को लगभग 2-3 मिनट तक पकाऊँगी, और उसके बाद इसमें तोरी जो मैंने काट के रखी है वो डाल दूँगी और ढक कर रख लूँगी। तो फिर उसके बाद धीमी आँच में मैं इसे थोड़ी देर पकाऊँगी, और लगभग 7-8 मिनट में मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी तोरी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर आटा गूंथ के भी रख लिया है, और अब फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर बनकर तैयार है, आप भी आइए और हमारे साथ डिनर कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा डिनर होता है हमारा, कभी कभार मैं दलिया वगैरह बना लेती हूँ, दूध वाला दलिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर बादल लगे हुए हैं, सुबह के यहाँ पे 6:30 बज चुके हैं, और 6 बजे आई थी मैं छत में, थोड़ा सा घूमी और फिर बैठ गई हूँ यहाँ पर। अच्छा हो रखा है मौसम भी, सुबह सुबह ठंडा ठंडा। तो अभी नीचे चलते हैं और चाय बनाती हूँ, चाय पियेंगे, रावत जी कह रहे हैं नीचे चलो चाय पीते हैं। वैसे तो कभी कभी हम छत में लेकर आ जाते हैं चाय, अच्छा लगता है आजकल छत में, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है छत में ना, तो मज़ा आता है छत में चाय पीने में। और आज हम पहले ऐसे ही आ गए थे, तो अब चलते हैं नीचे। चलो बेला नीचे, क्या कर रही हो तुम? अच्छा, नज़ारे देखोगे तुम यहाँ से। बाय। अभी आदि और अंशी सोए हुए हैं, तो हम चुपचाप से चाय बनाकर पियेंगे।
तो मैंने सुबह फ्रेंड्स चाय पीने के बाद उसके बाद जो नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद सारे काम मतलब बर्तन वगैरह धोना जो भी है काम वगैरह के आदि को नहला धुला दिया था। और उसके बाद मैंने सोचा आज मैं यहाँ पर फ्रिज को साफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए आदि की मस्ती, आदि को फ्रिज खुला हुआ मिल गया तो आदि मस्ती करे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज में से सारा सामान निकाल लिया है पहले, और जो मतलब रैक वगैरह था वो बाहर में धो लूँगी, और बाकी अभी मैं फ्रिज की सफाई करूँगी। उसके लिए मैंने गर्म पानी में लिया है सोडा डाला, खाने वाला सोडा और वाइट विनेगर, और उससे मैं अच्छे से एक बार कपड़े से ही सफाई कर लूँगी। स्क्रब से नहीं करती मैं फ्रिज की सफाई, क्योंकि उसे ना स्क्रैच से आ जाते हैं फ्रिज पे, तो मैं इससे ही कर लूँगी। और पहले मैंने इसे एक दो बार मैंने अच्छे से ऐसी पानी से साफ़ किया, और उसके बाद मैंने साफ़ कपड़े से पानी में अच्छे से पानी से फिर दोबारा से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर आदि कुछ करने भी नहीं दे रहा था, वो बार बार आ रहा था, और जैसे पानी पुनी फिसल सा जाता है तो डर भी लग रहा था उसके गिरने का। तो उसकी यहाँ पर मस्ती चालू है, और मैंने इससे आज पहली बार मैंने उससे साफ़ किया ये मतलब विनेगर वगैरह से, तो अच्छे से साफ़ हो गया। जो साइड में ना बेल्ट वगैरह रहती थी उसके अंदर काला काला सा जम जाता है ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था ऐसे करने से। और फिर मैंने यहाँ पर सारा फ्रिज साफ करके रख लिया था। देखना आदि को, आदि ना ऐसे ही फिर मैं जैसे साफ करके रख रही ऐसे, तो वो फिर कभी पैर रख दे रहा है वहाँ पर, वो सोच रहा है मैं यहाँ इसके अंदर बैठ जाऊँ, कभी कुछ करे जा रहा था उसकी शरारतें। और कुछ यहाँ पर ना गली में आज मतलब कुछ बाबा जी आए थे जो मतलब ऐसे ही मतलब दान मांगते हैं, तो वो ढोल बजा रही थी पता नहीं, तो वो आदि डर गया और उसके कारण वो बिल्कुल भी बाहर नहीं रहा, मतलब कहीं पे बैठा नहीं, मेरे आगे पीछे मेरे साथ ही चिपकने लग गया। तो जब अंशी आई तो उसके बाद तब मैंने फटाफट से किया ये साफ, और साफ करके तब रखे, तो इसके कारण मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब अंशी 12:30 के करीब आई, तो उसके बाद तब मैंने ये सारा साफ करके रख लिया। देखिए फ्रिज अच्छे से साफ़ हो चुकी है, और अब मैं इसमें सारे फ्रूट वगैरह और सब्जी और दूध फटाफट से रख लेती हूँ, वरना वो दूध ख़राब हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, रावत जी ड्यूटी गए हैं, शाम का टाइम है, दीदी यहाँ पे कंगी कर रही है, हाँ बस चलो। तो आज मेरा ना लंच काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि फ्रिज साफ करने के बाद उसके बाद मैंने फिर से पोछा लगाया, फिर मैं नहाई और फिर लंच बनाया। लंच में मैंने बनाया था पुलाव बीन्स और सोयाबीन की बढ़िया डालकर, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे मतलब सोयाबीन की बढ़िया डालकर जो पुलाव बनता है। उसके बाद काम कपड़े मतलब बर्तन वगैरह धोए, और फिर मैंने वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग की, और अब अंशी कह रही कि मम्मी थोड़ा बाहर चलो, तो मैंने सोचा चलो इनको बाहर लेकर चलती हूँ, कुछ काम है उनको भी निपटा देते हैं। तो मैं वीडियो का यहीं पर एंड करने जा रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।